नमस्कार। राजनीति में कुछ लोग इत्तेफाकन आ जाते हैं तो कईयों के विरासत में मिलती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन पर ये दोनों ही बातें लागू होती हैं। भारतीय राजनीति में उनके परिवार का काफी योगदान रहा है। कई दशकों तक उनके परिवार के सदस्यों ने देश की दशा और दिशा तय की, लेकिन हाल तक राजनीति से उनका खास वास्ता नहीं था। कई बार उनसे कहा गया कि वे आकर उस पार्टी की जिम्मेवारी संभालें जिसे उनके पुरखों ने सहेजा और आगे बढ़ाया है। 7 साल तक नानुकर करने के बाद ऐसी स्थिति बनी कि उन्हें पार्टी की बागडोर संभालनी पड़ी। हालांकि उनकी लीडरशिप से उनकी पार्टी में जहां उत्साह है, वहीं दूसरे दलों खासकर भाजपा को उनकी अनुभवहीनता और विदेशी मूल पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया है। जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया है, ये है कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से मौजूदा चुनाव हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है। इन चुनावों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नेतृत्व दांव पर लगा है। उनकी अध्यक्षता में होने वाला ये पहला पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तकरीबन 2 वर्षों के राजनीतिक जीवन में ये सोनिया गांधी की सबसे निर्णायक लड़ाई है, जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रतिष्ठा बहाल करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ बेल्लारी और अमेठी की चुनावी अग्नि परीक्षा में खरा उतरने का चैलेंज भी उनके सामने है। साथ ही उनके विदेशी मूल और अनुभवहीन होने का मुद्दा भी उनके आड़े आ रहा है। सोनिया गांधी कभी राजनीति में आएंगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, खुद सोनिया ने भी नहीं। वे तो राजीव गांधी की पत्नी और इंदिरा जी की बहू बनकर भारत आई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की अपनी पढ़ाई के दौरान वे राजीव गांधी से मिली। तब सोनिया महज 18 साल की थी और राजीव 20 साल के। दोनों में मेल मिलाप बढ़ा, फिर उन्होंने शादी करने का फैसला किया और फरवरी 1968 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। तब राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे, दोनों की सीधी सादी जिंदगी थी और वे अपनी दुनिया में खुश थे। 1980 में संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजीव को राजनीति में आना पड़ा, लेकिन सोनिया घर के दायरे में ही रही। बेटे राहुल और बेटी प्रियंका की देखभाल के साथ साथ सास तथा पति की घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वाह बस। हालांकि सोनिया न तो राजीव गांधी के राजनीति में आने के पक्ष में थी और न ही उनके प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में। सुनिए, आपने राजीव जी को पॉलिटिक्स में आने का विरोध क्यों किया था? क्यों नहीं चाहती थी कि राजीव जी पॉलिटिक्स में? राजीव जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे थे तो सुना आपने मना किया था, आप नहीं चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर बने, आपने बड़ी कोशिश की उनको रोकने की। जी हाँ, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने मुझको समझाया था कि उनका फर्ज था, उनका कोई चॉइस नहीं था, और इसलिए। तो क्यों आप नहीं चाहती थी कि पीएम ना बने? क्योंकि मेरे मन में डर था कि जो इंदिरा जी के साथ हुआ था उनके साथ भी हो जाएगा। और उसके बाद राजीव जी जिस तरीके एक सच्चे सीधे सच्चे दिल का के आदमी थे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे, मैं समझती थी कि ऐसे व्यक्ति के लिए राजनीति में जगह नहीं था। बहरहाल, राजीव गांधी ने मुल्क की बागडोर संभाली और उनके साथ सोनिया को भी अपनी गृहस्थी के दायरे से बाहर आना पड़ा। राजीव गांधी के साथ अक्सर वे दौरों पर जाने लगीं, लेकिन सिर्फ उनकी जीवन संगिनी के रूप में। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और सोनिया गांधी की जिंदगी की दिशा बदल गई। कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हें राजीव गांधी का राजनीतिक वारिस बनाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया गांधी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। लगभग 7 साल तक उन्होंने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग रखा, हालांकि पार्टी की बागडोर संभालने के लिए उनका मान मनोवल होता रहा। पिछले आम चुनावों के समय कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए सोनिया गांधी 10 जनपद के दायरे से बाहर निकली। तब सीताराम केसरी पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन स्टार कैंपेनर सोनिया गांधी थी। कांग्रेस को सरकार बनाने लायक सीटें तो नहीं मिली, लेकिन सोनिया गांधी को पार्टी का संकट मोचक मान लिया गया। फिर सोनिया के वफादारों की टोली ने ऐसा समा बांधा कि 14 मार्च 1998 को सीताराम केसरी को बेआबरू होकर AICC से जाना पड़ा। आनन फानन में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी की ताजपोशी कर दी गई। 2 दिन बाद ही 16 मार्च को वो CPP लीडर भी चुन ली गईं। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी को मजबूत करने के अभियान में जुटी रहीं। जयललिता के समर्थन वापसी के कारण जब 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार गिरी, तब
तब सोनिया गांधी ने 272 सांसदों के समर्थन का दावा किया, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एन वक्त पर गच्चा दे दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो गई। चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस के अंदर से ही सोनिया गांधी की लीडरशिप पर सवालिया निशान उठाए गए। कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं शरद पवार, पी ए सांगमा और तारिक अनवर ने 15 मई 1999 को उन्हें पत्र लिखकर उनके विदेशी मूल का सवाल उठाते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री बनने की कोशिश न करें। सोनिया गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक बार फिर उनकी खुशामद का दौर शुरू हुआ। 20 मई को तीनों बागी नेताओं को कांग्रेस से निकाल दिया गया और 25 मई को AICC सेशन में सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की वापसी की घोषणा कर दी। हालांकि तीनों बागी नेताओं के एक्सपल्शन के बाद कांग्रेस में अब उनके नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस चुनाव में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने का मसला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जबकि उनका कहना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है और वे भारत की नागरिक हैं। फिलहाल इन नारों के जवाब में कांग्रेस एक बार फिर स्थायित्व को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है। सुनिए जी, बीजेपी ने फॉरेन ओरिजिन का इशू उठाया है कि फॉरेन ओरिजिन की कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसे प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, और ये सीधा एलिगेशन आपके ऊपर उन्होंने लगाया। इसके बारे में भारतवासी तय करेंगे। अच्छा, एक बात उन्होंने और कही है कि आपने सिटीजनशिप इतनी देर से क्यों ली, जबकि आप बहुत पहले हिंदुस्तान में आ गई थी। मैं उस दिन भारतीय बनी, वो दिन जब मैं इंदिरा जी के घर में बहू के रूप में आई। बाकी कागजात का जो है टेक्निकल बात है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात और कही है कि एक कानून बनना चाहिए, ऐसा लॉ लाना चाहिए जिससे कोई भी फॉरेन ओरिजिन का व्यक्ति जो है वो हाई ऑफिसेज में ना जा सके, कोई ऊंचे पद जो है उन पे ना पहुंच सके, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे जो महत्वपूर्ण पद है। वैसे हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लगता है ये लोग ऐसे कर रहे हैं अपना फायदा के लिए, अपना राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। इसका मतलब कि ये लोग लोकतंत्र में और भारतवासी के विवेक में उनका कोई भरोसा नहीं है। राजीव जी की हत्या के बाद तकरीबन 7 साल तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आई, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने तय किया कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, अचानक आप पॉलिटिक्स में आ गई? वैसे उस समय जो ताकतें जिसके खिलाफ राजीव जी, पंडित जी और इंदिरा जी ने जिंदगी भर संघर्ष किया था, तो ये ताकतें मजबूत हो रहे थे। मैं ये नहीं देख पाए और मैंने उस समय अपना परिवार का धर्म को निभाने के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। उस समय तो कांग्रेस पार्टी में काफ़ी डिमोरलाइजेशन थी और वर्कर्स के बीच में असंतोष थी। फिर बहुत सारे लोग, वर्कर्स लोग भी मेरे पास जब आते थे, मुझको बताते थे कि कुछ करना चाहिए पार्टी के लिए, पार्टी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और लीडरशिप की ज़रूरत है और हमारी मदद की ज़रूरत थी। अच्छा सुनील जी, आपको याद होगा कि राजीव जी की हत्या के तुरंत बाद आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से ऑफर की गई थी, केसरी जी वगैरह तमाम लोग आए थे आपके पास, लेकिन उस समय आपने क्यों इसको मना कर दिया, इस ऑफर को क्यों डिक्लाइन कर दिया आपने? मैंने इस ऑफर को डिक्लाइन किया था क्योंकि राजीव जी मेरे लिए सब कुछ थे और इस समय मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। वैसे राजनीति में आने के लिए मेरे दिलचस्पी कभी नहीं थी। तो सिर्फ कांग्रेस की मदद करने के लिए आप पॉलिटिक्स में आई, और कोई वजह नहीं थी? मैं समझती हूँ अगर कांग्रेस मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं रहेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से कुछ और सवाल, कुछ और जवाब, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। राजनीति में आरोपों से बचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। जाहिर है सोनिया गांधी पर अपवाद नहीं है,
जब तक वे राजनीति में नहीं आई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वे कांग्रेस अध्यक्ष बनी उन पर आरोपों की झड़ी लग गई। इन आरोपों में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पालने से लेकर और भी कई बातें शामिल हैं, लेकिन सोनिया गांधी खुद के पावर हंग्री होने के आरोपों का जोरदार खंडन करती हैं। सोनिया गांधी सब कुछ बातचीत इस सिलसिले में। सुनील जी, आपके ऊपर आरोप लगा कि आप पावर में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए बहुत उत्सुक थी, इसलिए काफी भागदौड़ कर रही थी राष्ट्रपति भवन की। नहीं, मैं पावर आने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थी। मैं राजनीति में आई हूँ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैं राजनीति में आई हूँ लोगों की सेवा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं। और अगर ये बात थी तो मैं 8 साल पहले प्रधानमंत्री बन सकती थी। आपको मतलब राजीव जी की हत्या के बाद जब नरसिंह राव बने तब आप प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी? जी हाँ। लेकिन आपने जिस तरह से वहाँ कहा राष्ट्रपति भवन में और एक फिगर दी और जिस तरह से आपने उत्सुकता दिखाई, इससे लोगों के मन में गया कि शायद आप पावर पाने के लिए काफी कीन हैं। नहीं, ये तो गलत फहमी है। मैं पावर हंगरी नहीं हूँ। लेकिन कांग्रेस को तो पावर में लाना चाहती हैं आप? जरूर, जी हाँ। लेकिन आप तालकटोरा स्टेडियम में जब ये सम्मेलन हुआ था AICC का, उसमें आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला कांग्रेस के एमपीज करेंगे, तो इसके पीछे क्या मकसद था? ये हमेशा कांग्रेस का परंपरा रहा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे, ये मैंने कहा और वैसे ही होगा। आज भी उसी बात पर कायम है? बिल्कुल बिल्कुल। कारगिल को लेकर सोनिया जी, कांग्रेस ने काफी शोरगुल मचाया हुआ, सरकार के खिलाफ रोज बयानबाजी हो रही है, आप भी बोल रहे हैं कि सरकार ने बड़ा गड़बड़ किया, तो सब पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आप कह रहे हैं या सचमुच कहीं कुछ गड़बड़ हुआ? जी जी नहीं, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए नहीं हम लोग कह रहे हैं, ये तो फैक्ट है, सबके सामने फैक्ट है कि उन्होंने इतना मेसअप किया कारगिल का मामला। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद आपने देखा होगा, वहाँ तो सारे चिट्ठियाँ लोगों के सामने पेश किया जहाँ लिखा है कि सरकार को सितंबर 1998 में ये सारा मामला, सारी चीज़ें के बारे में सरकार को जानकारी दी। वहाँ घुसपैठी 98 में आने शुरू लगे थे और सरकार इसके बारे में क्या किया, इतना समय में उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि उनको ऐसी कोई चिट्ठियां नहीं मिली थी, कोई प्री वार्निंग नहीं मिली थी। डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इसके बारे में, घुसपैठियों और उनके फौज के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री दोषी नहीं थे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिस बहादुरी से लड़के हमने उनकी सेनाओं को पीछे धकेल दिया, तो ये एक अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट तो है, लेकिन आर्मी का अचीवमेंट है, सरकार का नहीं है। ये तो सोल्जर्स की सैक्रिफाइस थी और भाजपा सोल्जर्स की सैक्रिफाइस को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने इलेक्शन शुरू होते टेलीकॉम पॉलिसी को लेकर भी काफी हल्ला गुल्ला किया, लेकिन आजकल थोड़ा चुप हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। क्या इशू खत्म हो गया आपके लिहाज से, या आप चाहते हैं कि इसमें कोई सच्चाई या सब्सटेंस नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं दे पाए? टेलीकॉम का मामला जो है बहुत सीरियस मामला है, सबको मालूम है कि इसमें राष्ट्रपति जी, इलेक्शन कमिश्नर ने भी सवाल पूछे और राष्ट्रपति जी ने ये मांग की थी कि इस पॉलिसी को अभी ना पास करें, चुनाव के बाद करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ये नहीं माना। तो सरकार का इतना जल्दी का क्यों था? इसके पीछे कुछ गड़बड़ है, इसके पीछे करोड़ों रुपए का गड़बड़ है। करोड़ों रुपए गड़बड़ क्या मतलब, कुछ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया? जी हाँ, किसी कंपनीज को का फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हुआ है। और ये केवल टेलीकॉम घपला नहीं है, बहुत सारे ऐसे घपले हैं, जैसे एक तो वो चीनी घपला है। ये चीनी का क्या घपला है जो ये उठाया गया है, उसको तो बीजेपी ने डिनाई कर दिया है कि ये तो OGL में है सुगर इंपोर्ट, तो कोई भी कर सकता है, सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। ये देखिए, ये तो सब हुआ था जब हमारे देश के गोदामों में चीनी थी,
तो इंपोर्ट करने की जरूरत क्या था? चोर कभी कहता है कि उन्होंने चोरी की? जब हमारे गोदामों में चीनी बहुत था, जब बिल्कुल भरे हुए थे चीनी के साथ, तो चीनी को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत था? AICC में जब आप मैनिफेस्टो रिलीज कर रही थी तो आपने बोफोर्स के मामले को फिर से उठा दिया और कहा कि हमें कागज अगर सरकार रिलीज करना चाहे तो करे। लेकिन उसके बाद अडवाणी जी ने कहा कि जब सरकार ने कागज रिलीज करने की बात की, पेपर्स को रिलीज करने की बात की, तो सोनिया गांधी चुप हो गई, उन्होंने चुप्पी साध ली। उनकी सडन साइलेंस का मतलब क्या है? तो क्यों चुप हो गई आप? सडन साइलेंस का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है और मुझे नहीं मालूम सडन साइलेंस के बारे में अडवाणी जी ने क्यों सोचा। शुरू से ही मैंने ये कहा, मैंने ये स्पष्ट किया है कि बोफोर्स जांच जो है अच्छी तरह से ख़त्म करना चाहिए, अच्छी तरह और जल्दी ख़त्म करना चाहिए, ताकि वो मेरे हस्बैंड को विंडिकेशन मिले कि वे दोषी नहीं हैं। वो कहते हैं बोफोर्स पे जल्दी पेपर्स रिलीज करने वाले हैं और तब इसका खुलासा हो जाएगा। ये लोग हर चुनाव के समय में बोफोर्स का मामला लोगों के सामने ला रहे हैं, 12 साल से ये कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये लोग जल्दी से जल्दी कागज लोगों के सामने लाए, ताकि ये साबित हो जाए कि मेरे पति दोषी नहीं है। सुनिए जी, आपके ऊपर एक चार्ज ये भी लगता है कि आपने ऐसे लोगों को साथ लेके गठबंधन बनाया है जिनके ऊपर तमाम करप्शन के चार्जेस थे, चाहे वो जयललिता हो या लालू यादव हो। देखिए, जब ये लोग भाजपा के साथ थे वो तो बिल्कुल साफ थे, बिल्कुल प्योर थे। अब कांग्रेस के साथ है तो भ्रष्ट है, और उन लोगों के साथ, भाजपा लोगों के साथ भी कैसे लोग हैं आप जानते हैं। भाजपा के साथ आज जो 24 दलों का गठबंधन है, क्या उन लोगों के ऊपर कुछ आरोप नहीं है? सुनिए जी, ऐसे लोग जो राजीव जी के काफी करीब माने जाते थे, वो क्यों छोड़ के चले गए कांग्रेस या आपको? ऐसे ऐसे चीजें जिंदगी में होते रहते हैं, ये तो जिंदगी की सच्चाई है। तो इन लोगों के जाने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। एक बात ये भी छपती कि आपके चारों तरफ कोटरी है, एडवाइजर्स हैं, उन्हीं के कहने सुनने पे आप चलती हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करती हैं। ये तो सच नहीं है। मैं बहुत सारे लोग को कंसल्ट करती रहती हूँ, सबकी बातें सुनती रहती हूँ और डिसीजन मैं लेती हूँ। सोनिया गांधी की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में सोनिया गांधी आम सभाओं में जाती हैं, जनता से मिलती हैं, तमाम राजनीतिक गतिविधियों में उनकी व्यस्तता होती है, उनका यह चेहरा सब जानते हैं। लेकिन सबसे दूर 10 जनपद के अंदर उनका एक चेहरा और भी है, एक ऐसी औरत का चेहरा जिसने कभी राजीव गांधी से प्यार किया था, जिस प्यार के भरोसे वह पिता की मर्जी के खिलाफ 7 समंदर पार भारत चली आई थी, जिससे कभी इंदिरा गांधी में अपनी माँ की झलक नजर आती थी। ऐसे ही न जाने कितनी बातें उनकी यादों में समाई हुई हैं। अपनी जिंदगी की बेहद निजी यादों के बारे में सोनिया गांधी ने पहली बार टेलीविजन कैमरे के सामने बात की है। सुनिए जी, सुना इंदिरा जी आपको बहुत चाहती थी, तो इसकी क्या वजह थी, क्यों आपको इतना प्यार करती थी वो? इंदिरा जी मेरे लिए माँ जैसी थी। जब मैंने शादी की तो मेरे लिए सब कुछ नया था, रीति रिवाज, खाना, लोग जो हमारे ऑल अराउंड थे, तो मेरे लिए आसानी नहीं थी, काफ़ी मुश्किल थी। और उन्होंने, इंदिरा जी हमेशा मुझको मदद दे रही थी, लोगों को समझने के लिए, रीति रिवाजों को समझने के लिए, और धीरे धीरे एक ऐसी रिश्ता बन गई इंदिरा जी और मेरे साथ। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, मेरे लिए माँ जैसी थी और फ्रेंड भी थी। और धीरे धीरे मैं इंदिरा जी को इतनी करीब हुई कि बहुत सारी बातें थी जो मैं शायद अपनी माँ से शेयर नहीं करती थी, मैं इंदिरा जी के साथ कर सकती थी, शेयर कर सकती थी। इंदिरा जी से सबसे पहले आप कहाँ मिली थी? वो तो पहली मुलाकात थी इंग्लैंड में, क्योंकि मैं वहाँ कैम्ब्रिज में थी, राजीव जी
भी कैम्ब्रिज में थी तो इंदिरा जी एक नुमाइश के लिए, नेहरू नुमाइश के लिए इंग्लैंड आई थी, और इंदिरा जी ने राजीव जी को चिट्ठी लिख दिया कि आपकी फ्रेंड जो है सोनिया, मैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ, मैं बातचीत करना चाहती हूँ उनसे, और इसलिए ऐसे फिर हम लोग वो ही किया। राजीव जी ने मुझको उनके पास ले गया और उनके साथ कुछ बातचीत की। तो उन्होंने पूरा आपका इंटरव्यू ले डाला उस समय? एक तरीके का इंटरव्यू। हम दोनों फ्रेंच बोलते थे क्योंकि मेरी अंग्रेजी भाषा उस समय खराब थी, मैं अंग्रेजी जानती नहीं थी, और फिर मैं काफ़ी डरी हुई थी। जब उनको लगा कि मैं डरी हुई थी, उन्होंने मुझको कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी महिला हूँ, मैं भी छोटी थी जैसे तुम आज छोटी है, और मैं भी एक आदमी से बहुत प्यार करती थी। जब उन्होंने ये कहा तो मेरा दिल बिल्कुल गल गया और मेरे को बहुत टच किया, और फिर मैं काफ़ी रिलैक्स हुई। और ऐसा राजीव जी से मुलाकात आपकी कैम्ब्रिज में हुई थी? जी हाँ, एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। जब मैं कैम्ब्रिज में थी, कैम्ब्रिज में केवल एक रेस्टोरेंट थी जहाँ थोड़ा बहुत इटालियन खाना मिलता था, और मैं इंग्लिश खाना बिल्कुल नहीं खा सकती थी, इसलिए वहाँ जाती थी रोज़ खाने के लिए। और मेरा एक फ्रेंड था जर्मनी का, जो राजीव जी का फ्रेंड था, और राजीव जी उनको कहा कि ये जो तुम्हारी फ्रेंड जो है, कभी मैं मिल सकता हूँ, तो इंट्रोडक्शन ऐसा हुआ। तो उसके बाद ये फर्स्ट साइट लव था? जी हाँ। उसके बाद शादी का कब तय किया आप लोगों ने? उसके बाद मैं 67 मैं वापस मेरे पेरेंट्स के पास गई, और राजीव जी यहाँ हिंदुस्तान आए, और लेकिन हिंदुस्तान वापस आने के पहले मेरे वहाँ आए थे, और मेरे पिताजी से बातचीत की, और उनको बताया कि मुझसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी बहुत खिलाफ थे क्योंकि वो समझते थे कि एक तो हिंदुस्तान इतनी दूर है और वहाँ के रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत इतनी दूर जाए। लेकिन एट द सेम टाइम ही उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो देखने के लिए तो मैं तुमको टिकट दूंगी। तो उन्होंने रिटर्न टिकट दिया हमें, और वो काफ़ी श्योर थे कि मैं इटली वापस जाऊंगी, लेकिन मैं वापस नहीं गई, यहाँ हूँ, और यहाँ कहीं पे वो टिकट अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब आपने अपने फादर की मर्जी के खिलाफ शादी की इंडिया में? जी हाँ, वो नाराज थे और दुखी भी थे, और इसलिए मेरे शादी के लिए वो नहीं आए, लेकिन बाद में वो ठीक रहा। अच्छा, आपने कहा कि आपको इंग्लिश खाना अच्छा नहीं लगता था, तो इंडियन खाना आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है? शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैं बिल्कुल खा नहीं सकती थी, लेकिन अभी मैं बगैर इंडियन खाना नहीं रह सकती। इंडियन खाने में क्या क्या खाती हैं, आपको क्या पसंद है? बहुत सी चीज़ें अच्छी लगते हैं इंडियन खाने, लेकिन मेरी आदत यह है कि रोज़ लंच के समय मैं देसी खाना खाती हूँ, अरहर की दाल और चावल के साथ। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ, जैसे कि कभी विलायत भी जाती हूँ,
जब वापस आती हूँ सबसे पहले मुझको चावल और अरहर की दाल मिलनी चाहिए, खानी चाहिए। अभी हमने बात की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से, हिंदी में उनका यह इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। रूबरू में अब अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।